Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास हमारी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है. हम उसी यूनिट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट हमने एटॉमिक रेडियस, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करी थी. आज हम फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है टेंडेंसी किसी भी एटम की, क्योंकि किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, ठीक है. वही क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. और Electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract electrons towards itself in a molecule or compound. Electronegativity, nothing but a relative value of an element that describes its ability to compete for electrons with other atoms to which it is bonded. Since it is relative, it does not have any unit. आपने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था, उसमें सिंगल एटम के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है. लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, जो पेयर्ड होती है, ठीक है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप देखेंगे HCl क्या है, ये बॉन्डेड है, ठीक है. HCl यहाँ आपको HCl से कैसा है, बॉन्डेड है, ठीक है. तो ये क्या है, HCl जो क्लोरीन है आपका, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है. तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो क्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए क्लोरीन पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव साइन आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल क्यों, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन पूरे ही अपने एक तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं लेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है. टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. किन्हीं भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, इसकी एलिमेंट्स की टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है. तो ध्यान रखिए, इधर HCl में जैसे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन किससे, क्लोरीन से. इसलिए क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है. इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज नॉन बॉन्डेड स्टेट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, ठीक है. जो भी एटम नॉन बॉन्डेड है, जो भी एटम नॉन बॉन्डेड है, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. जो नॉन बॉन्डेड है उसकी कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं होगी, सिर्फ किन एटम्स की बात होगी जो बॉन्डेड होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग कंडीशन, ठीक है. अब जैसे क्लोरीन है, ठीक है, या क्लोरीन HCl से जुड़ा है, तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है डिपेंड करता है कि एटम किसके साथ बॉन्डेड है, किसके साथ डिबॉन्डेड है, उसी पर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है कि बॉन्डिंग कंडीशंस पर, ठीक है. एक तो या तो सिंगल बॉन्ड हुआ, या डबल बॉन्ड हुआ, या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कि क्लोरीन किसके साथ किस तरीके से बॉन्डेड है, तभी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसी कंडीशन पे, बॉन्डिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगी. इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेराइज डिपेंड ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बॉन्डेड, ठीक है. वही बात मैंने आपको बताई कि अगर क्लोरीन क्लोरीन Cl2, ठीक है, क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो उसकी निगेटिविटी अलग होगी. अगर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होगी. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड
डिसाइड करती है कि किसके साथ बॉन्डेड है एटम। और पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि कभी भी नॉन बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं बताएंगे, हमेशा बॉन्डेड एटम की ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे ही कंटिन्यू करूंगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थैंक यू क्लास। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।